छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार से जुड़े घोटालों की जांच एक एक कर सीबीआई को सौंपी जा रही है। अब बारी है महादेव ऐप की, जिसकी जांच भी अब सीबीआई करेगी। इस जांच का नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया। महादेव सट्टा घोटाले से कई पुराने कांग्रेसी नेताओं के जुड़े होने की बातें आती रहती थी, मगर अब सीबीआई जांच के बाद साफ हो जाएगा कि सट्टेबाजी से कौन कौन नेता कैसी कमाई कर रहा था। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपने सबसे चर्चित घोटाले से जुड़ी ये खबर। महादेव सट्टा मामले में सियासी बवाल, सीबीआई करेगी अब घोटाले की जांच। पूर्व सीएम पर घोटाले की आंच। छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले को बीजेपी की सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। गृह मंत्रालय ने जांच का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राज्य में अलग अलग थानों में दर्ज हुए 70 प्रकरणों की जांच सीबीआई करेगी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे, ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी मैं ये सोचता हूँ, और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। साय जी की सरकार बनी है तब से देखा जा रहा है कि जितने भी प्रकरण है सब सेंट्रल एजेंसी को भेजने का, इनका बस्तर का मामला हो चाहे वो महादेव का है या कोई भी प्रकरण है, तो सब में जब सेंट्रल एजेंसी ही काम करेगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या करेगी। जवाबदारी से बचने के लिए सभी प्रकरणों को सेंट्रल को भेजना क्या उचित रहेगा। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था और महादेव सट्टा ऐप में मिली भगत का भी जमकर आरोप लगाया था। साल 2022 अक्टूबर में महादेव सट्टा ऐप की जांच शुरू हुई थी। कांग्रेस सरकार के समय ईडी ने ये जांच शुरू की थी। ईडी ने 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। जनवरी 2024 तक 80 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 600 आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है। साल 2022 में ईडी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सरकार अब इन फाइलों को सीबीआई के हवाले कर रही है, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि तमाम एजेंसियों की जांच के बाद सीबीआई इस मामले में किस नतीजे तक पहुँचती है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। महादेव घोटाले की जांच सीबीआई करेगी तो उम्मीद है जांच रिपोर्ट भी जल्दी सामने आएगी। दरअसल इस घोटाले से जुड़े कुछ आरोपी विदेश में भी हैं, इसलिए सीबीआई इस घोटाले की जांच बेहतर तरीके से कर पाएगी।